गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. टुडे वी विल अंडरस्टैंड साइंस चैप्टर फाइव क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव. तो क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड. तो सीविंग क्या है और ये कहाँ पे यूज होती है. तो आंसर देखेंगे, सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज. तो सीविंग क्या है, एक फिल्टरिंग प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो अलग अलग साइज के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिल्टर करके अलग किया जाता है. सीविंग अलाउज फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव. तो सीविंग क्या होती है, सीविंग में क्या होते हैं, जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो तो सीव के थ्रू यानी छलनी के थ्रू पास हो जाते हैं. व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं बड़ी, वो क्या है, वो सीव में ही रह जाती हैं, छलनी में ही ऊपर रह जाती हैं. जैसे कि आप देखते हैं अपने घर में छानते हैं फ्लोर, तो क्या करते हैं, उसको छाना जाता है पहले, ठीक है, सीव से. तो क्या होता है, जो बारीक फाइन पार्टिकल होते हैं वो निकल जाते हैं, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं वो छलनी में ही रह जाती हैं. सीविंग इज़ यूज्ड इन फ्लोर माइल्स टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम फ्लोर. तो कहाँ सीविंग का कहाँ यूज़ किया जाता है, फ्लोर माइल्स होती हैं वहाँ पे, जो उसमें ग्रेन्स अनाज में ब्रोकन पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए सीविंग का यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट लम्ब्स स्मॉलर स्टोन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट. और इसका कहाँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ किया जाता है, सैंड और सीमेंट में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलग करने के लिए. क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. तो आप सैंड और वाटर को उनके मिक्सचर से अलग अलग कैसे करेंगे, आंसर देखेंगे. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं. फर्स्ट स्टेप देंगे, लीव मिक्सचर टू सैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम इन ए कंटेनर. तो क्या करेंगे, पहले उस मिक्सचर को कुछ देर के लिए हम अनडिस्टर्ब, यानी कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है. फिर सेकंड स्टेप में देखेंगे, सैंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. तो क्या होगा, जब आप कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो सैंड जो होगी वो कुछ देर के बाद उस कंटेनर के बॉटम में बैठ जाती है, ठीक है, सेटल हो जाती है. इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं. थर्ड स्टेप देखेंगे, जेंटली पोर द वाटर इन अदर कंटेनर्स. तो क्या करेंगे, जो सैंड नीचे बैठ गई है ऊपर हमारा वाटर आ जाएगा, तो उस वाटर को हम जेंटली दूसरे कंटेनर में पोर कर देंगे, दूसरे कंटेनर में कर लेंगे वाटर को विदाउट सैंड को डिस्टर्ब किए. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन. फिर फोर्थ स्टेप देखेंगे, वी मे ऑल्सो यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड. हम क्या, हम फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कुछ बारीक पार्टिकल्स सैंड के आ जाते हैं अगर वाटर में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू से फिल्टर कर सकते हैं. इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है. तो आप ये फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी नोटबुक में करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.